हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट हेल्थ टॉक। आज हम बात करेंगे शहद यानी कि हनी से कैसे 10 बीमारियों से बच सकते हैं या हमारी बॉडी की 10 प्रॉब्लम को कैसे सिर्फ हनी से सॉल्व कर सकते हैं। शहद को औषधि माना जाता है जो हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाती है। ठंड के मौसम में शहद को रोज़ यूज़ करें तो आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। हनी को लेने के कई तरीके हैं जिनसे आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हनी हार्मफुल जर्म से लड़कर हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। हनी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, सोडियम, विटामिन बी, सी और कार्ब्स जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको हनी को यूज़ करने से मिल सकते हैं। तो बात करते हैं हनी के 10 बेनिफिट्स के बारे में जो हमको स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 1, जिन लोगों को थकान, वीकनेस या डलनेस जैसी प्रॉब्लम है उनके लिए हनी एनर्जी बूस्टर की तरह साबित हो सकती है। हनी हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखती है। नंबर 2, ठंड के मौसम में गले में इन्फेक्शन, गला ख़राब होने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ऐसे में सर्दी, जुकाम या खांसी की दिक्कत हो तो इन प्रॉब्लम्स में हनी हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 3, अगर आप कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलने, गैस जैसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको किसी भी दवाई की जगह पर हनी को यूज़ करना चाहिए। हनी में गुड बैक्टीरिया भरपूर होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। नंबर 4, अगर आप गुनगुने पानी में हनी मिलाकर पीते हैं तो इससे रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं और शरीर में खून की कमी नहीं होती। नंबर 5, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो आपको हनी को डेली ज़रूर लेना चाहिए। ये लो बीपी की प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 6, रात को सोने से पहले गर्म दूध में हनी मिलाकर पीने से स्ट्रेस दूर होता है और अच्छी नींद आती है। नंबर 7, हनी को आप फेस पर भी लगा सकते हैं। फेस पर लगाने से आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनेगी। नंबर 8, हनी नेचुरली स्वीट होती है तो आप इसको चीनी यानी कि शक्कर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। चीनी किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। नंबर 9, अगर आप शहद को यूज़ करते हैं तो ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको ठंड में हनी ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 10, अगर आपको बॉडी में कहीं भी सूजन की प्रॉब्लम है तो आप हनी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हेयर्स और स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल गेट हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।